डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम? कंपेयरिंग क्वांटिटीज। इससे पहले लेक्चर में हमने इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ी थी। इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा था? एक तो पढ़ा था रेशो, परसेंटेज, डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस, प्राइस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब हम इसी चैप्टर के एक्सरसाइज नंबर 8.1 के पहले क्वेश्चन पे आते हैं। वो क्या है? फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। ठीक, इसी क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है स्पीड ऑफ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। आपको रेशियो निकालना है किसका? एक साइकिल का जिसका रफ्तार कितना है 15 किलोमीटर पर आवर टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ स्कूटर जिसकी रफ्तार कितना है 30 किलोमीटर पर आवर। मैं यहाँ क्या लिखूंगा? रेशियो। रेशियो तो हमें निकालना है। क्या निकालना है हमें? रेशो। रेशो किसका निकालना है हमें? साइकिल जिसका रफ्तार क्या है 15 किलोमीटर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। तो जिसका निकालना है वो हम पहले लिखते हैं। पहले कौन सी क्वांटिटी है? साइकिल की स्पीड है। कौन सी? साइकिल की स्पीड है। तो हम पहले यही लिखेंगे 15 किलोमीटर पर आवर डिवाइड बाई स्पीड ऑफ स्कूटर क्या है वो है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखो किलोमीटर पर आवर और किलोमीटर पर आवर कैंसिल होगा, यूनिट्स तो सेम है। क्या है? यूनिट्स तो सेम है। तो किलोमीटर पर आवर और किलोमीटर पर आवर कैंसिल होगा। ठीक है, 15 माइनस 15 टू हो गया 30, तो वो क्या आएगा? वो फ्रैक्शन आएगा 1 डिवाइड बाई टू। और हम इसको लिखते हैं कि 1:1:2। तो इनका रेशो क्या है? अगर साइकिल का रफ्तार कितना है 1 किलोमीटर, तो इसके मुताबिक स्कूटर का रफ्तार कितना है? वो है 2 किलोमीटर। कितना है? 2 किलोमीटर। ठीक है, अब अगर आपको ये दिया गया रेशो ऑफ स्पीड ऑफ स्कूटर टू दैट ऑफ रेशो ऑफ स्पीड ऑफ साइकिल निकालना होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है उस टाइम? आपको पहले क्या लिखना है? 30 और डिवाइड करना है किससे? साइकिल की स्पीड से। वो कितनी है? वो है 15। 15 माइनस 15 टू, उस टाइम रेशो आएगा 2:1। इस बात का आपको ख्याल रखना है कि आपको किस का रेशो निकालना है, आपको किस का रेशो निकालना है और किसके मुताबिक निकालना है, और किसके मुताबिक निकालना है। ठीक, देखो अब इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या है? आपको रेशियो निकालना है 50 मीटर टू 10 किलोमीटर। देखो मैंने इससे पहले भी आपको सिखाया था कि हम रेशियो तब ही निकालते हैं जब यूनिट सेम होगी, जब यूनिट सेम होगी। देखो यहाँ तो एक क्वांटिटी में यूनिट क्या है? मीटर, और दूसरी क्वांटिटी में यूनिट क्या है? किलोमीटर। तो हमें पहले क्या करना है? यूनिट दोनों क्वांटिटी में क्या सेम करना है। ठीक है, तो हमें पता ही है कि 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है? 1000 मीटर्स के बराबर। 1000 मीटर्स के बराबर। ठीक है, तो अब 10 किलोमीटर किसके बराबर होगा? फिर वो होगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 1000। वो क्या आएगा? 1 और कितने 0? 4 0। ठीक है, 10,000 meters आएगी। कितने? 10,000 meters। therefore ratio किसके बराबर आएगा? ratio equals वो क्या है? किसका निकालना है? 50 meter। किसके मुताबिक? 10 किलोमीटर के मुताबिक। तो पहले हम 50 meter लिखेंगे और 10 किलोमीटर का यूनिट हमने सेम किया मीटर में, वो क्या आएगा? 10,000 meter। 10,000 meter। ठीक है, मीटर और मीटर कैंसिल हुआ। देखो यहाँ भी 1 0 है और यहाँ भी 1 0 है, 1 2 0 कैंसिल। 5 1 5 2 10 5 0 0 5 0 0। तो वो क्या आया? वो आया 1 डिवाइड बाई 200। तो एक है फ्रैक्शन। अब हम इसको इस तरीके भी से भी लिखते हैं। ठीक है, 1:200। तो इस पार्ट का आंसर ये है। ठीक है, 1:200। ठीक है, जो इसका और एक पार्ट है वो आप खुद करोगे। अब हम इसी एक्सरसाइज के दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है? वो है कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेज। आपको इस टाइम क्या रेशियो दिया गया है?
क्या दिया गया है, रेशो, और आपको ये कन्वर्ट किस में करना है, परसेंटेज में। ठीक है, देखो इससे पहले भी और मैंने आपको सिखाया था कि इस तरह हम रेशो कन्वर्ट करते थे किसमें, परसेंटेज में। ठीक है, यहां मैंने आपको कन्वर्जन पढ़ाया था। ठीक, अब क्या करना है, 3:4 ये किसमें हमें कन्वर्ट करना है, रेशो में। किसमें, रेशो में। जब हम रेशो कन्वर्ट करते हैं किसमें, परसेंटेज में, तो हम इसको किसके साथ मल्टीपल करते हैं, 100 के साथ। तो मैं ये लिखूंगा इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, ये भी डिनोट करता है क्या, 3:4, तो मैं मल्टीपल करूंगा इसको किसके साथ, 100 के साथ। जो ये वैल्यू आएगा ये किसमें आएगा, परसेंटेज में आएगा। किसमें आएगा, परसेंटेज में। देखो अब कैंसिलेशन होगी, 2 2s 4, 2 5s 10, 2 0s 0, 2 1s 2, 2 2s 4, 2 5s 10, वो क्या आएगा, 15 × 3 वो आएगा 75%। क्या आएगा, 75%। तो 3:4 किसके बराबर है, वो 75% के बराबर। ठीक, अब इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, वो क्या है, वो है 2:3। ये भी आपको कन्वर्ट करना है, ये इन द फॉर्म ऑफ रेशो है, और आपको ये भी कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंटेज में। किसमें, परसेंटेज में। तो हम इस तरह लिखेंगे, 2 / 3, इसको भी हम मल्टीपल कर देंगे किसके साथ, 100 के साथ। जो वैल्यू आएगा वो आएगा किसमें, परसेंटेज में। देखो अब यहाँ कैंसिलेशन नहीं होगी, आप ये डिसिमल फॉर्म में भी लिखोगे या किसमें, मिक्सड फॉर्म में भी लिखोगे। ठीक है, देखो जो ये वैल्यू आएगा वो किसमें आएगा, वो परसेंटेज में आएगा। किसमें, परसेंटेज में आएगा। तो 2 × 100 वो क्या आएगा, 200 / 3 × 1 वो क्या आएगा, 3। तो ये आएगा 200 / 3%, 200 / 3%। अब ये किस फॉर्म है, ये फ्रैक्शन फॉर्म है। आप इसको क्या लिखोगे, 200 / 3, ये किस फॉर्म है, फ्रैक्शन फॉर्म है। अब आप इसको कन्वर्ट करोगे किसमें, मिक्सड फॉर्म है। किसमें, मिक्सड फॉर्म है। ठीक, देखो हम क्या करेंगे, 200 को हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, 3 के साथ। किसके, 3 6 18, वो क्या आएगा, 20 में से 18, तो आएगा 2, वहां से 0, ये बन गया 20, 3 6 18, क्या आएगा, रिमाइंडर, तो आया 2। देखो हम मिक्सर फॉर्म में क्या करते हैं, जो रिमाइंडर होता है वो रिमाइंडर ही रहते हैं। यहाँ तो रिमाइंडर क्या है, 3 को आपने मल्टीपल क्या किया, 3 को आपने मल्टीपल किया 66, और हम जो रिमाइंडर होता है वो हम ऐड करते हैं, वो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, वो क्या आया, वो आया 66 whole 2 / 3%। ठीक है, और आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 / 3 × 100, ये किसमें आएगा, परसेंटेज में। 3 1s 3 3 9 3 3 9, तो यहाँ डेसिमल आएगा 339, तो वो क्या आएगा, वो आएगा 333.33। अब हम एक ही डेसिमल तक लेंगे, वो क्या लेंगे हम, 33.3, वो क्या आएगा, 3 2 6 3 2 6 3 2 6, वो आएगा 66.6%। ठीक है, अब हम इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। किस पे, 3 पे आते हैं। वो क्या है, वो है 72% ऑफ स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स। किसमें है ये, गुड में मैथमेटिक्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है, हाउ मनी आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, आपको ये मालूम करना है कि कितने बच्चे वो है जो क्या है, मैथमेटिक्स में गुड नहीं है। अगर ये सभी बच्चे कितने हैं, 25 में से 70% क्या है, गुड इन मैथमेटिकल, तो आपको मालूम क्या करना है कि कितने बच्चे वो है जो अच्छे नहीं है किसमें, मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, सभी बच्चे कितने हैं, 25, कितने बच्चे हैं ये, 25। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गुड इन मैथमेटिक्स वो कितने हैं, वो है 72% ऑफ 25। नंबर ऑफ गुड इन
मैथमेटिक्स, वो क्या है, वो है 72% ऑफ 25। देखो हम किस तरीके से लिखेंगे, 72% क्या होगा, 72 डिवाइड बाई, ये जब हम परसेंटेज किसमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं किसे, 100 से, तो वो आएगा 72 डिवाइड बाई 100, तो किसमें से 25 में से वो आएगा, वो हम करेंगे मल्टीपल, ठीक है। अब देखो कैंसिलेशन होगी, 25 ones 25 fours हो गया 100। अब 2 2s 4 2 3 6 2 6 12 2 1 2 8 16, तो कितने बच्चे गुड है मैथमेटिक्स का, वो है 18 स्टूडेंट। कितने बच्चे मैथमेटिक्स में गुड है, 18 स्टूडेंट। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, वो थे 25। नंबर ऑफ स्टूडेंट गुड इन मैथमेटिक्स वो कितने हैं, वो है 18। तो हमें मालूम होगा अब कि वो बच्चे जो गुड नहीं है, अच्छे नहीं है किसमें, मैथमेटिक्स में, वो क्या है, ठीक है। देयरफॉर नंबर ऑफ दैट आर नॉट गुडियन इक्वल्स, वो क्या है, वो आएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गुड इन मैथमेटिक्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, वो है 25 माइनस 18 माइनस 18, वो क्या आएगा, वो आएगा 25 में से 18 वो आएगा 7 स्टूडेंट, 7 वो क्या आएगा। तो कितने बच्चे जो अच्छे नहीं है मैथमेटिक्स में, वो है 7, क्या है, वो है 7, ठीक है। अगर आपको यही परसेंटेज निकालनी होगी कि कितने परसेंट, अगर 72% गुड है आउट ऑफ 25%, तो कितने परसेंट अच्छे नहीं है किसमें, मैथमेटिक्स में। तो अच्छे जो बच्चे अच्छे नहीं है कि मैथमेटिक्स में, वो कितने हैं, वो है 7, वो है 7। कितने में से, वो है 25 में से, 25 में से। और आपको इसी को किससे मल्टीपल करना है, 100 से। देखो 25 ones 25 fours हो गया क्या, 100, 7 fours are 28। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन परसेंटेज जो अच्छे नहीं है किसमें, मैथमेटिक्स में, वो कितने हैं, 28%। देखो इससे पहले भी मैंने आपको सिखाया था कि इनिशियल में हर कोई क्वांटिटी कितनी होती है, 100%। देखो अगर 72% क्या है गुड इन मैथमेटिकल, तो 28% क्या है, वो अच्छे नहीं है मैथमेटिक्स में। देखो 72% प्लस 28% वो क्या आएगा, 8 plus 2 is 10, 7 plus 2 is 9, 9 plus 1 is 10, देखो वो आया 100%, क्या आया, 100%। अगर 72% अच्छे है किसमें, मैथमेटिक्स में, तो 28% अच्छे नहीं है मैथमेटिक्स में। यहाँ आप यहाँ से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर 72 टोटल क्वांटिटी क्या है, अगर आप ये नहीं लिख सकते तो इसका दूसरा तरीका भी ये है कि अगर 72% क्या है गुड इन मैथमेटिक्स आउट ऑफ 25 स्टूडेंट। देखो हर कोई क्वांटिटी इनिशियल में क्या होती है, 100% में से हम निकालेंगे 72%, वो क्या आएगा, वो आएगा 28%। जब आप 28% निकालोगे किसका, 25 का, 28 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 25। अच्छा फिर 25 ones 25 fours 4 ones 4 7 ones 28, वो भी क्या निकला, 7 स्टूडेंट। अगर आप इसके तरीका करोगे तो ये भी ठीक है, और अगर उसके जरिए वो भी ठीक है, मगर आपको वो बात फिर याद रखनी है कि इनिशियल में हर कोई क्वांटिटी कितनी होती है, 100% है। अगर आपको 72% क्या है स्टूडेंट्स आउट ऑफ 25 गुड, तो जो स्टूडेंट्स अच्छे नहीं है किसमें मैथमेटिक्स में, वो क्या आएगा, 100 minus 72% वो क्या आएगा, वो आया 28%। तो फिर आपको क्या निकालना है, 28% ऑफ 25। जब आपने 28% किसका निकाला, 25 का, वो कितने, वो 7 स्टूडेंट्स आए, तो वो कितने, 7 स्टूडेंट्स आए, ठीक है।